बेटी ने भाग कर की शादी। नाराज पिता ने बेटी के ससुर को मारी गोली। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के नेतवास गांव में एक बेटी के पिता ने अपनी बेटी के पति के घर में घुसकर ससुर के साथ पहले मारपीट की, फिर बाद में पिस्टल से गोली मार दी गई। पिस्टल से निकली गोली बुजुर्ग के पैर में लगी। बुजुर्ग को घायल अवस्था में पहले कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, बाद में बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोलारस थाना पुलिस ने मौके का मुआयना कर मामले की जाँच शुरू कर दी। मामला प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक नेतवास के रहने वाले 65 साल के रामस्वरूप रावत के बेटे कुछ रावत ने एक माह पहले देहात थाना क्षेत्र के बमौरी गांव की रहने वाली एक लड़की से भाग कर प्रेम विवाह कर लिया था, जबकि लड़की के परिजन राजी नहीं हुए थे। लवकुश प्रेम विवाह करने के बाद अपने गांव नेतवास में ही रह रहा था। बताया गया है कि लवकुश का बामौर गांव में आना जाना लगा रहता था। इस दौरान लवकुश की मुलाकात लड़की से हो गई थी, बाद में दोनों ने भाग कर शादी कर ली थी। राम दादा आपका राम सर कहाँ रहते हैं? नेतवास। क्या हो गया? गोली मार दी। किसने मारी? मारपीट कर दी और गोली मार दी। किसने मार दी पूरी बताओ बात। ऐसा राधे ने चार गोली चलाई था, मैं तो राधे ने था और धीरू। किस बात को लेके? उसकी लड़की हमारे लड़के के साथ बज आई, इस बात को लेके बयान भी हो गए थे भैया। कहाँ रहते हैं? बोलो बोलो कहाँ रहते हैं? बाम और रहते हैं। बाम और चूड़ी बाम और। आप यहाँ पे आए थे? आपके नेतवास में? नेतवास में आए 5 बजे आज सुबह। आज सुबह घर पर ही आ गए? घर पर आ गए था। क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? कुछ नहीं कही उसने। अच्छा। उसने तो आके गोली दी साहब, सीधी गोली दी और मुझे मारा पीटा अंगार कर, हाथ टूट गए, पति हुए टूट गए। जितने लोगों को मारा है? कोई नहीं, मैं ही मैं तो अकेलो, मैं ही मैं जितो सब नीचे आते, मैं ऊपर लेट रहा हूँ।